बहुत बड़ी ताकत बनेंगे आप अगर आपको सहना आ गया और बर्दाश्त करना आ गया। क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं ना तो अंदर में एक ताकत पैदा होती है, वो ताकत आपकी रूह को परवाज देती है और अगलों के लिए तस्खीर का काम देती है। और अगर आप फट गए तो बम के फटने से क्या होता है, तबाही आती है। जब आप फटेंगे या मैं फटूंगा तो मुआशरे में तबाही आ जाएगी। तो इसके लिए आप दो चीजों का एहतमाम फरमाएं, एक अपनी जबान की हिफाजत फरमाएं। आप इस 400 के मुआशरे में कोई गीबत करने वाला ना, कोई झूठ बोलने वाला ना, कोई किसी को तंज करने वाला ना, ताना देने वाला ना, ऐसी बात जो किसी के दिल पे जाके चोट मारे उससे आप अपनी जबान को साफ कर लें। कभी इस पे काबू पा सकेंगे, कभी नहीं, कभी रह जाएगा, कभी हो जाएगा। तो जब हाथ से निकल जाए बात तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा रखा है। दो नफल पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो, जिस पर ज्यादती हुई उससे जाके माफी मांगो, इससे आपके मिजाज में ठहराव आ जाए, ठहराव आ जाए। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस माशरे में आप अपनी जबान पे काबू पाना सीखिए, बराए मेरे बहुत फायदा होगा। एक जिंदगी गुजरी है, शाम करीब है, तो पूरी जिंदगी के तजारब निचोड़ भी उसमें शामिल हैं। और तजारब निचोड़ को गोली मारो और दीवार पर डाल दो, मेरे नबी का फरमान उसके लिए काफ़ी है कि आपने फरमाया कि दो चीज़ों की जमानत दे दो मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, एक तुम्हारे जो दो जबड़ों के दरमियान है, एक तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, इसे पाक कर लो मैं जन्नत का जामिन बन जाता हूँ। और मुआज़ इब्ने जबल से फरमाया कि तुम्हें पूरे दीन का निचोड़ बताऊँ, कहीं क्या तो आपने इस हदीस को मैंने पता नहीं हज़ारों लाखों दफ़ा बयान कर दिया है और हर दफ़ा बयान किया है कि अच्छा ये ऐसे करके क्यों फरमाया, ये पहले किया फिर कहा, उफ़ हाज़ा। और कहा किसको है, जिनके बारे में आता है कि इस उम्मत के उलमा का झंडा क़यामत के दिन मुआज़ बिन जबल के हाथ में होगा, इतने बड़े हो। 18 हिजरी में इंतकाल हुआ, 1434 हिजरी में मैं उर्दन गया तो उनकी कब्र से खुशबू आ रही थी। 1400 साल गुजर गए, उनकी कब्र से खुशबू का आना बंद नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी को कैसे समझाया, बच्चे की तरह। नमाज इस ज़बान पे काबू। तो आप सबको, अपने आप को भी कहते हैं, वो अरब खतीब कहते हैं उसीकुम नफ्सी अव्वलन वैयाकुम करके आमतौर पर खुतबा शुरू करते हैं। तो मैं भी अपने ज़ात से शुरू करके आपसे ये अर्ज़ करता हूँ बच्चों कि अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो। यहाँ इसकी मशक कर लो, ये छोटा सा मैदान है, छोटा एक तालाब में है, आप तालाब यहाँ से निकल कर आप एक समंदर में कूदेंगे, जहाँ के रिश्तों की फहरिस्त होगी, ताल्लुकात की फहरिस्त होगी, नागवारियों के खौफनाक खारदार कांटे होंगे, कहीं कहीं फूल मिलेंगे, वरना कांटों से भरा जहान है। अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप उस मैदान में जाकर इंतहाई खूबसूरत मुआशरे का फ़र्द बन जाएंगे।